डॉक्टर कदीन ने बनाया, नवाज ने थोड़ा बनाया, एवं छुट्टी का ऐलान करवा दिता गया। इस वजह से बना रहे हैं, ये पाकिस्तान ने बम बनाया था, पाकिस्तान का नाम हुआ था, ये पाकिस्तान में ताकत बन गई है। जो आज जो तारीख थी वो इमरान खान की थी, वो फैसले का दिन था उनका, तो उन्होंने बोला कि चलो जी आज छुट्टी कर दो, अदालत बंद रहेगी। यम तकबीर 1998 में हुआ, डॉक्टर कदीर खान ने 5 एटम बम बनाए थे न्यूक्लियर पावर, नवाज शरीफ के हुक्म पे फिर जो है धमाका हुआ था। ये एटमी धमाका किया था नवाज शरीफ साहब ने 1998 में, अब उनको याद आया कि छुट्टी देनी है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, 28 मई यानी कि यौमे तकबीर का दिन है और आज इसी दिन के मुनासबत से छुट्टी का ऐलान भी किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। और पाकिस्तान उस वक्त जो है 28 मई 1998 में पूरी दुनिया में एटमी पावर के लिहाज से 7वां मुल्क बना और इस्लामी ममालिक के लिहाज से पहला इस्लामी मुल्क बना जिसके पास एटमी ताकत रखने की सलाहियत मौजूद थी। 5 धमाके किए गए, लोगों से जानते हैं कि वो लोग जो हैं हमारी सोसाइटी के लोग, उनको क्या पता है यौमे तकबीर के हवाले से वो क्या कहेंगे। 28 मई को क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे, बस एटमी ताकत बने थे हम, बस और कुछ भी नहीं, और क्या होना था। ये बताइएगा, खान साहब ने भी एब्सोल्युटली नोट कहा उस वक्त, उनसे पहले जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने भी एब्सोल्युटली नोट कहा, कौन सा एब्सोल्युटली नोट बेहतर था? मेरे ख्याल से तो दोनों बेहतर हैं। तो ये एक अगर डिसाइड करना हो तो कौन सा बेहतर? नहीं, दोनों ही बेहतर हैं। उन्होंने अड्डे देने से इनकार किया, उन्होंने एटमी ताकत पर जब उन्होंने ऑफ़र दी उनको नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने भी एब्सोल्युटली नोट कहा, तो मेरे ख्याल से दोनों बेहतर हैं। तो मुल्क की तरक्की के लिए दोनों में से कौन सा अच्छा लीडर है? मुल्क की तरक्की के लिए अभी तक तो इमरान खान अपने आप को नहीं साबित कर सके कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ। हाँ, उन्होंने एक अच्छा साबित किया कि लोगों को बताया कि करप्शन, हाँ, कि हमारे मुल्क में, क्योंकि पहले लोगों को नहीं था पता करप्शन होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन अब लोगों को जड़ा ना माइंड वॉश किया जी, लोग जो है ना बड़े जैसे कि नवाज शरीफ ये वो, उनका अपना इमरान खान का नज़रिया कि लूटते हैं और बाहर चले जाते हैं हमारे, तो ये उन्होंने लोगों के अंदर ना शौर पैदा किया इमरान खान। हाँ, इमरान खान। अच्छा, अखबार पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताइएगा 28 मई को हुआ क्या था? पता ही नहीं। आप तो अखबार भी पढ़ रहे हैं। वो एटमी ताकत पहले का पाकिस्तान बना हुआ है, एटमी ताकत पहले था, ऐसे बस हूँ एक रंगबाजी यही। नहीं, एटमी ताकत कब बना, कैसे बना जी? ये डॉक्टर कदीन ने बनाया, नवाज ने थोड़ा बनाया, ऐसे हमें छुट्टी का ऐलान करवा दिता गया कि अपना भी तो मनाना है ना। नहीं, तो जो 28 मई को, उससे पहले 2-4 दिन पहले 11 मई से 28 मई के दरमियान ये एटमी पावर बने गए, ठीक है, पावर पाकिस्तान पहले का बन चुका है। कब बने? डॉक्टर कदीर के दौर में। तो डॉक्टर कदीर उसी दौर में थे ना जब धमाके किए, 1998 की बात? वो है था, लेकिन नवाज ने थोड़ी ना, वो तो बस एक बटन दबा दिया तो वो कोई उनका हीरो थोड़ी है, हीरो तो सिर्फ डॉक्टर कदीर है। इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर कदीर साहब, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म के बगैर तो कोई फैसला नहीं ना हो सकता। नहीं, वो भी किसी के कहने पे हुआ है। किसके? किसी के कहने पे हुआ है ना। किसके? नवाज ने खुद थोड़ा किया है, नवाज को ऑर्डर आया तो उसने किया है। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नोट कहा और उनसे पहले जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने भी अपने दौर में धमाके करते वक्त जो है एब्सोल्युटली नोट कहा, कौन बेहतर था? इमरान खान। वो कैसे? वो तो गुलामी कबूल करता ही नहीं। यौमे तकबीर आज लोग मना रहे हैं, यौमे तकबीर है क्या? यौमे तकबीर इनको आ गया 75 साल के बाद नज़र। अच्छा, तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, जिनके लिए कहर मचा हुआ उनके लिए सोचना चाहिए, ये अपने लिए सोच रहे हैं यहाँ पे छुट्टियाँ, उनका शौक मनाना चाहिए कि इनको छुट्टियाँ करनी चाहिए। यौमे तकबीर क्या है, आपने बोला 75 साल के बाद, यौमे तकबीर को तो भी सिर्फ 26वां साल है आज। वो जितने भी मैम इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जो कहर उनके ऊपर है फ़लस्तीन के ऊपर है, इनको वो चीज़ देखनी चाहिए कि ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम दुनिया के 7वें नंबर पे आए हैं जी एटमी ताकत में, हमें ये, लेकिन ये कोई कारकर्दगी नहीं है, ये कोई कारकर्दगी नहीं है भाई। पाकिस्तान दुनिया भर ने देखा कि न्यूक्लियर पावर तो वो किस काम की, जब हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं उनको फिक्र ही नहीं है उनकी, तो फिर हमने ऐसी ही एटमी ताकतें रख के क्या करना है भाई। लोग यौमे तकबीर मना रहे हैं, इस वजह से बना रहे हैं, ये पाकिस्तान ने बम बनाया था जी, मैं एटमी ताकत बनी थी, ये पाकिस्तान का नाम हुआ था, या ये पाकिस्तान में ताकत बन गई है, इनके पास भी एक बम आ गया है जो किसी टाइम भी अटैक कर सकता है, पहले इंडिया ने बनाया था फिर साथ पाकिस्तान ने, उसी खुशी के खातिर छुट्टी मनाई जाती है, ये बात है, ये वजह है। सही,
1998 में। अच्छा मुझे ये बताइएगा, उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है? ये तो नवाज शरीफ ने कहा था, नवाज शरीफ ने बनाया था कि नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं प्रेशर नहीं लूँगा, मैं दबाव में नहीं आऊँगा, और एटमी धमाके करने की परमिशन दी। तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद रिसेंटली जो है इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, कौन सा एब्सोल्युटली नॉट आपके मुताबिक बेहतर? यार इमरान खान सियासतदान तो नहीं है, हम इसको सियासतदान नहीं मानते। अगर सियासतदान मानते मुल्क के ये हालात ना आते, हर दुकानदार रोता ना। अब देखिए ना कहाँ पे मोटरसाइकिल का रेट चला गया था, 90,000 का होंडा था 2.5 लाख पे चला गया। अब आपसे ये नून लीग की हुकूमत ने ऐसा बेहतर हो रहा है, बाइक भी नीचे आ रही है, मोबाइल के रेट भी नीचे आ गए, डॉलर के सोना भी सस्ता हो रहा है, ऐसी कारोबारी हालात बेहतर होते हैं। वो कारोबारी चलाना जानता है, वो बेहतर इंसान है, उसने हुकूमत की है नवाज शरीफ में। वो जैसे होता ना एक दिन का बच्चा 100 दिन का, वो साफ था इमरान खान का, उसको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता। अल्लाह बेहतर करे, मुल्क की हालात बेहतर हो अब कुछ, ये बात है, ये हकीकत है, ये सच है। ये जो आज जो तारीख थी वो इमरान खान की थी, वो फैसले का दिन था उनका, तो उन्होंने बोला कि चलो जी आज छुट्टी कर दो, अदालत बंद रहेगी। योमे तकबीर मना रहे हैं जी? जी बिल्कुल, योमे तकबीर मना रहे हैं। इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर मिला, तजर्बा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो है पाकिस्तान ये एटमी ताकत के रूप में दुनिया पर उभरा। अच्छा एक एब्सोल्युटली नोट 1998 में नवाज शरीफ ने कहा, जब वो मैं अर्ज करता जाऊँ, ये एपिसोड एक के बुनियाद पे था, ये उनके ही पिट्ठू हैं जो ये क्या करेंगे। जब एपिसोड अगर ये आप देखेंगे तो ये जो इमरान खान ने कहा है ये दुनिया के दिलों पे लिखा गया है, ठीक है? और ये जो अभी हुकूमत चल रही है, ये जो ड्रामा रचा हुआ है, ये महंगाई है, यह छाई हुई है, इसके लिहाज से हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। और कौन सा एब्सोल्युटली नॉट बेहतर है जो इमरान खान का बेहतर है जी? क्या वजह क्या है इमरान? इमरान खान एक अनेस्ट आदमी है, वो गया तो एक उसके हाथ में डायरी थी, आज तक इन्हें उसके खिलाफ करप्शन का केस नहीं मिल सका। ये कभी निकाह का कह रहे हैं, कभी ये घड़ी का कह रहे हैं, कभी कोई ड्रामे रचा रहे हैं, इन्हें कोई भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। अब देख लें, एक लोग कोई तकरीबन 180 के नज़दीक इन्होंने बनाए हुए हैं उसके खिलाफ मुकदमे, लेकिन ये लोग हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत उछाल रहे हैं, और कोई फर्क नहीं। योम तकबीर मना रही हैं आप भी? जी बिल्कुल। क्या हुआ, क्या था योम तकबीर, है क्या योम तकबीर? 1998 में हुआ, जो कि डॉक्टर कदीर खान ने 5 एटम बम बनाए थे न्यूक्लियर पावर, जो कि नवाज शरीफ के कहने उनके हुक्म पे फिर जो है धमाका हुआ था। अच्छा कितने धमाके हुए थे? 5। तो एक अभी रिसेंटली इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और उस वक्त 1998 में नवाज शरीफ ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, कौन सा एब्सोल्युटली नॉट बेहतर रहा? नवाज शरीफ का। क्या वजह? वजह ये है कि इमरान खान का अगर देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह और दिल में मुनाफ़कत है, जो कि मतलब मुल्क का उन्होंने सिर्फ बेड़ा गर्क किया और कुछ नहीं किया। और नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने मुल्क के लिए बहुत चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि सड़कें बनाई हैं, और वो हमारे मुल्क के बारे में सोचते हैं। लेकिन अवाम को ऐसा लगता है कि इमरान खान ही पता नहीं क्या चीज़ है, इमरान खान ने अवाम को पागल किया हुआ है। सर योम तकबीर है क्या? ये एटमी धमाका किया था। अच्छा। नवाज शरीफ साहब ने 1998 में जी। अब उनको याद आया कि छुट्टी देनी है हमने। अच्छा। आज फर्स्ट छुट्टी है 20 साल के बाद, ये है 26 साल के बाद, ये है योम दफा जो कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ ने भी उस दौर में जो है एब्सोल्युटली नॉट कहा, इमरान खान ने भी रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट कहा, कौन सा एब्सोल्युटली नॉट बेहतर रहा? बेहतर ये है कि कश्मीर की अवाम मर रही है, ठीक है ना, तो एटमी पावर है हम, ठीक है ना, फलस्तीन की अवाम मर रही है, उनका हमें साथ देना चाहिए। ये नहीं कि उसने क्या कहा, हमें सब मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, हमें पता चले कि हम भी कौमी एटमी ताकत हैं, ठीक है ना, ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि वो मुसलमान मर रहे हैं वहाँ पे और हम इधर छुट्टियाँ बनाएं।